नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिकेट पे। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वर्ल्ड मैप सीरीज की आखिरी वीडियो, जिसमें हम देखेंगे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट को। इससे पहले हमने सबसे पहले एशिया कॉन्टिनेंट को देखा, फिर यूरोप, फिर नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, देन उसके बाद हमने अफ्रीका को देखा था। तो इस तरीके से हम अपनी आखिरी वीडियो में पहुंच गए हैं इस वर्ल्ड मैप सीरीज की। और जिस तरह का रिस्पांस हमें इस सीरीज में मिला है वो बहुत ही अच्छा है, और आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया इस ओवरवेलमिंग रिस्पांस के लिए। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को शेयर करें औरों के साथ ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट को देखते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये रहा हमारा मैप। इसमें जो ग्रीन पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की अगर हम जब बात करते हैं, ये एक्चुअली तीन लैंड मासेस से बना हुआ है। पहला ये है जिसको हम कहते हैं मेन लैंड ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद उसी का ये जो छोटा लैंड मास है इसको बोलते हैं हम टैस्मेनिया, और साथ में ये जो इधर आइलैंड पोर्शन है जिसको न्यू गिनिया आइलैंड कहा जाता है। तो इन तीनों को मिलाकर बनता है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। और कुछ लोगों के दिमाग में ये डाउट रहता है कि ये जो पोर्शन आपको नीचे का दिखाई दे रहा है ये न्यूजीलैंड है, तो ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं है, इस बात की आप क्लैरिटी रखें। तो टोटल तीन लैंड मासेस से मिलके ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट बनता है, मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया, टैस्मेनिया आइलैंड और उसके बाद न्यू गिनिया आइलैंड। अगर ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये सातों कॉन्टिनेंट में सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। उसके बाद अगर इसमें नंबर ऑफ कंट्रीज हम देखें तो टोटल तीन कंट्रीज हैं इसमें, जो मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया और टैस्मेनियन आइलैंड है ये मिलके ऑस्ट्रेलिया कहलाते हैं। उसके बाद ये जो पोर्शन है न्यू गिनिया आइलैंड, इसमें दो कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पर आप एक जो व्हाइट लाइन देख रहे हैं, लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर, तो इसका जो ईस्टर्न पोर्शन है ये है पापुआ न्यू गिनी, और इसका जो वेस्टर्न पोर्शन है इसको कहते हैं वेस्ट पापुआ, और वेस्ट पापुआ जो है वो इंडोनेशिया का पार्ट है। तो मैंने अभी आपको बताया मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया और टैस्मेनियन आइलैंड मिलके ऑस्ट्रेलिया बनाते हैं। उसके बाद न्यू गिनी आइलैंड जो है उसका ईस्टर्न पोर्शन एक इंडिपेंडेंट कंट्री है वहाँ पे, जिसको कहा जाता है पापुआ न्यू गिनिया, और वेस्टर्न पोर्शन जो है न्यू गिनी आइलैंड का वो है वेस्ट पापुआ और वो पार्ट है इंडोनेशिया का। और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो टोटली सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, दक्षिणी गोलार्ध में है ये। जैसे आप ये देख सकते हैं ये इक्वेटर की लाइन है, तो ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के ऊपर से जा रही है। और यहाँ पर देखें ये रही हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड से पास होती है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा भी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन किन किन ऑस्ट्रेलियन स्टेट से होके गुजरती है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे ऑस्ट्रेलियन कंट्री को। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो बाय एरिया ऑस्ट्रेलिया सिक्स्थ लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन हम अगर बात करें तो 51st रैंक आता है ऑस्ट्रेलिया का। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा एरिया इनके पास है लेकिन पॉपुलेशन इनकी बहुत कम है। और अगर पॉपुलेशन अगर हम देखें तो वो है करीबन 2.5 करोड़ के आसपास, इतनी कम पॉपुलेशन है इनकी। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI जिसे हम कहते हैं, उस पर इनका रैंक काफ़ी ज़्यादा हाई है, सेकेंड रैंक पे ये आते हैं आफ्टर नॉर्वे। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया HDI रैंक में बहुत पीछे है, इंडिया की रैंक करीबन 131 के आसपास है। ऑस्ट्रेलिया में टोटल तीन टाइम जोन है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस कंट्री में कितने टाइम जोन है, तो ऑस्ट्रेलिया में टोटल तीन टाइम जोन है, एक है ईस्टर्न, दूसरा है वेस्टर्न और तीसरा है सेंट्रल। तो ये तीन मेन टाइम जोन है ऑस्ट्रेलिया के। अब हम ऑस्ट्रेलिया को इंटरनली देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में टोटल 6 स्टेट्स हैं, जो कि आप देख सकते हैं। पहला स्टेट है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये है सदर्न ऑस्ट्रेलिया, ये है क्वींसलैंड, ये है न्यू साउथ वेल्स, ये है विक्टोरिया, और ये रहा आखिरी स्टेट टैस्मेनिया ये। और अब जो बाकी का बचा हुआ पोर्शन है, जैसे ये रहा नॉर्दर्न टेरिटरी, तो ऑस्ट्रेलिया में दो टेरिटरीज हैं, 6 स्टेट्स के अलावा दो टेरिटरीज। पहला है नॉर्दर्न टेरिटरी और दूसरा यहाँ पर देखिए ये छोटा सा आपको रेड पोर्शन में जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं द ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी ACT। तो दो टेरिटरीज हैं, नॉर्दर्न टेरिटरी और दूसरी टेरिटरी है द ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी। अब इसके बाद आती है कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जो है वो है कैनबरा, और यही जो रेड पोर्शन है इसी को कैनबरा कहते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है द ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी। उसके बाद अगर हम ऑस्ट्रेलिया की लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो वह है सिडनी, सिडनी कैनबरा के नज़दीक में ही है।
और मैंने आपको बोला था कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो ऑस्ट्रेलिया के कुछ स्टेट से पास होती है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो एक्चुअली कुछ इस तरीके से पास होती है। तो आप देख सकते हैं ये पहले वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से पास हुई, उसके बाद नॉर्दर्न टेरिटरी और उसके बाद क्वींसलैंड से पास हुई। तो ये हो गए दो स्टेट्स और एक टेरिटरी। अब उसके बाद अगर हम कैपिटल्स की बात करें, हर स्टेट की अगर कैपिटल देखें, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो है पर्थ। ये देख सकते हैं यहाँ पर पर्थ है। क्वींसलैंड की कैपिटल है ब्रिस्बेन। न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल है सिडनी। साउथ ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है एडिलेड। विक्टोरिया की कैपिटल है मेलबर्न। और टेस्मेनिया की कैपिटल जो है उसका नाम है होबार्ट। जो कैनबरा है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जो है, उसको बुश कैपिटल भी कहा जाता है। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे फॉरेस्ट हैं, फार्म लैंड हैं और बहुत सारे नेचुरल रिजर्व्स हैं, इसीलिए इसको बुश फार्म कहा जाता है। और उसके अलावा अगर सबसे बड़े स्टेट की बात करें तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आपको ऑब्वियसली दिखाई दे रहा होगा कि ये सबसे बड़ा स्टेट है ऑस्ट्रेलिया का। तो अभी तो हमने सारी स्टेट्स और टेरिटरीज के बारे में जाना, अब थोड़ा फिजिकली ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं। ये रहा स्टेट जिसको मैंने आपको कहा था, जिसका नाम है क्वींसलैंड। क्वींसलैंड के ईस्टर्न पोर्शन में कोरल सी पड़ता है, और इस सी की खास बात ये है कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ है यहाँ पर, जिसकी लेंथ लंबाई करीबन 2,300 किलोमीटर है। और वहीं अगर एरिया की बात करें तो वो है 344,400 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये काफ़ी बड़ा एरिया है, और ये जो क्वींसलैंड का कोस्ट है इसके नियर बाई है ये पूरा एक का पूरा एरिया। उसके अलावा अगर हम वेस्टर्न पोर्शन देखें ऑस्ट्रेलिया का, तो यहाँ पर पड़ता है टाइमोर सी। यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड से टेस्मेनियन आइलैंड अलग होता है, तो ये जो बीच का रीजन है इसको कहा जाता है बैस स्ट्रेट। और जो मैंने मैप में आपको बताया था ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में ऊपर न्यू गिनी आइलैंड भी आता है, इस मैप में वो है नहीं। तो न्यू गिनी आइलैंड और ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड के बीच में भी एक स्ट्रेट पड़ता है यहाँ पर, जिस स्ट्रेट का नाम है टॉरेस स्ट्रेट। तो ये भी आप ध्यान रखें। ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं ये पूरा, इसको कहा जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो दुनिया की तीसरी सबसे लंबी रेंज है। अगर सबसे लंबी रेंज की बात करें तो वो है एंडीज, जिसकी लेंथ करीबन है 7,000 किलोमीटर। उसके बाद आता है रॉकीज जो है 4,830 किलोमीटर। और उसके बाद आता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का नंबर, जिसकी लेंथ है 3,500 किलोमीटर के आसपास। और आपको मुझे बताना है कमेंट्स में कि एंडीज और रॉकीज जो माउंटेन रेंज हैं वो कहाँ पर सिचुएटेड हैं, कहाँ पर लोकेटेड हैं। आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिखेंगे इसका। और उसके साथ साथ जो हिमालयन माउंटेन रेंज है उसकी लेंथ क्या है आप ये भी फाइंड आउट करेंगे और कमेंट्स में लिखेंगे। तो अगर हम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को देखें तो ये सबसे पहले क्वींसलैंड से पास हो रही है, उसके बाद न्यू साउथ वेल्स, ये स्टेट जो है न्यू साउथ वेल्स है, यहाँ से पास होती है। उसके बाद यहाँ पर जिसको मैंने कहा था ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी कैनबरा, तो वहाँ से पास होती है। और उसके बाद आखिरी स्टेट जो कि है विक्टोरिया, वहाँ पर जाके ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज खत्म होती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है माउंट कोसीउस्को, वो यहाँ कैनबरा के नियर बाई है, माउंट कोसीउस्को। और अगर इसकी हाइट की बात करें तो वो है करीबन 2,228 मीटर, जो कि काफ़ी कम है अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करें। और आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है। ऑस्ट्रेलिया में दो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, एक का नाम है मरे और एक का नाम है डार्लिंग। तो जो मरे रिवर है वो यहाँ विक्टोरिया से निकलती है, विक्टोरिया से निकल के यहाँ पर न्यू साउथ वेल्स में आती है, और इधर न्यू साउथ वेल्स से डार्लिंग रिवर निकलती है, और ये यहाँ पर आके दोनों रिवर्स मिल जाती हैं। तो न्यू साउथ वेल्स में दोनों रिवर्स मिलती हैं और आगे ये साउथ ऑस्ट्रेलिया में चली जाती हैं, यहाँ पर इसका माउथ है, और इधर ये सी में जाके मिल जाती हैं। तो विक्टोरिया से निकली हमारी रिवर जिसका नाम है मरे, और न्यू साउथ वेल्स से जो रिवर निकली उसका नाम है डार्लिंग। और जब ये दोनों यहाँ पर इस पॉइंट पे मिलती हैं न्यू साउथ वेल्स में, तो इसको आगे इस रिवर का नाम कह दिया जाता है मरे डार्लिंग रिवर। और अगर मरे रिवर की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर है, और वहीं डार्लिंग जो है वो थर्ड लार्जेस्ट रिवर है ऑस्ट्रेलिया की। यहाँ पर साउथ ऑस्ट्रेलिया में एक काफ़ी पॉपुलर लेक है, लेक आयर, वो कुछ यहाँ पर पड़ता है।
लेक आयर की खास बात यह है कि ये ऑस्ट्रेलिया का लोवेस्ट नेचुरल पॉइंट है। इसकी जो सी लेवल से अगर हाइट देखी जाए तो वो 15 मीटर बिलो सी लेवल है, तो सी लेवल से भी 15 मीटर नीचे है ये जो पॉइंट है लेक आयर में जो पॉइंट है। और लेक आयर जो है वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लार्जेस्ट लेक भी है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, तो यहाँ पर काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो जो मॉनसून ईस्टर्न साइड से आता है वो इन पहाड़ों से टकराता है और यहाँ पर ये जो भी रीज़न है यहाँ पर बहुत सारी वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और जैसे कि यहाँ पर काफ़ी बारिश होती है तो यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो यहीं पे रहती है, क्योंकि यहाँ पर फार्मिंग वगैरह बहुत चीज़ें हो सकती हैं अच्छी बारिश की वजह से। और ऑस्ट्रेलिया की जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं अगर उसको देखें वो सारी की सारी ईस्टर्न पोर्शन में हैं। ब्रिस्बेन हो गया, गोल्ड कोस्ट हो गया, न्यूकासल, सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न, एडिलेड, वो इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश होती है और यहाँ पर लोग काफ़ी फार्मिंग वगैरह कर सकते हैं। ऑन अदर हैंड आप अगर वेस्टर्न पोर्शन में जाएं ऑस्ट्रेलिया के तो बहुत कम आपको सिटीज़ देखने को मिलेंगी, मेन सिटीज़ आपको यहाँ पे पर्थ दिखाई दे रहा है, एक ये ब्रूम है। तो ऐसा क्यों है, उसके पीछे एक रीज़न है। देखिए यहाँ पर तो खूब सारी बारिश हो गई, जो मॉनसून है वो आया और इनसे टकराया और यहाँ पे पूरे पोर्शन में बारिश हो गई, लेकिन जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे वेस्टर्न पोर्शन की तरफ जाएंगे तो बारिश की मात्रा कम होती हुई मिलेगी। और जब हम इस पोर्शन में पहुंचेंगे वेस्टर्न पोर्शन में तो यहाँ पर बारिश ना के बराबर होती है, इसीलिए इस पोर्शन में ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे डेजर्ट पाए जाते हैं और इसीलिए आपको वेस्टर्न पोर्शन में सिर्फ एक तरह से एक या दो सिटीज़ मिल रही हैं। यहाँ पर पर्थ आपने देखा और मोस्ट ऑफ द सिटीज़ जो हैं और पॉपुलेशन जो है वो ईस्टर्न पोर्शन में है। इसी वजह से अगर हम डेजर्ट्स देखें ऑस्ट्रेलिया के, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पोर्शन में आपको मोस्ट ऑफ द डेजर्ट्स मिलेंगे, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, यहाँ पर टनामी डेजर्ट और सिम्पसन डेजर्ट। तो ये मेन डेजर्ट हैं ऑस्ट्रेलिया के और इनके नाम आपको पता होना चाहिए, साथ में आपको ये इनका एरिया भी दिया हुआ है दूसरी पिक्चर में। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट जो है वो सबसे बड़ा डेजर्ट है, तो इन पांचों डेजर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके साथ साथ लिटिल सैंडी डेजर्ट भी है। मैंने आपको बताया था न्यू गिनी आइलैंड में जो ये वाला पोर्शन है ये है पापुआ न्यू गिनी, और पापुआ न्यू गिनी की अगर हम कैपिटल देखें तो इसकी कैपिटल का नाम है पोर्ट मोरस्बाय। तो जो ईस्टर्न पोर्शन है वो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री जिसका नाम है पापुआ न्यू गिनी, और जो वेस्टर्न पोर्शन है ये है वेस्ट पापुआ जो कि इंडोनेशिया का पार्ट है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के ऊपर, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और इसी के साथ हमारी वर्ल्ड मैप सीरीज़ है वो फिनिश होती है और इसके बाद भी मैं आपके लिए मैप बेस्ड सीरीज़ लाता रहूँगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।